सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है कक्षा 10 का। रिजल्ट बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वेबसाइट नहीं खुल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस सर्विस इज अनअवेलेबल दिखा रहा है अभी भी। और कल हमने जब इसका रिजल्ट आया था तो लाइव वीडियो में भी आपको बताया था इस तरह का ये दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब वेबसाइट खुल चुकी है और ऑनलाइन BSEB.in ये वेबसाइट है, इसके होम पेज पर ही आपको इस तरह का ये इंटरफेस मिलेगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे आपको चेक करना है रिजल्ट, कैसे आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। आपको इसके लिए चाहिए केवल रोल कोड और रोल नंबर आपको चाहिए और ये कैप्चा कोड आपने भरना है। गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट कैसे आपको चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको अपना रोल कोड डालना है, इस तरह से आपका जो रोल कोड होता है इस तरह का 5 नंबर का आपका रोल कोड होगा और आपका जो रोल नंबर है वो आपका इस तरह का कुछ होगा ऐसे, और यह आपका रोल नंबर हो गया। तो उसके बाद आपने यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2020, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम यहाँ आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रोल कोड आएगा, रोल नंबर आएगा। रिमार्क में आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन इस तरह का ये आएगा और उसके बाद कितने नंबर में से कितने आए हैं पूरा यहाँ डिटेल आपकी आ जाएगी। तो नंबर ऐसे आपका आएगा सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में जैसे 100 में से जो नंबर हैं, पासिंग मार्क्स जो है 30 है और 77 नंबर इसमें आए हैं। इसी तरह संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में भी आप नंबर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपके थ्योरी के और यहाँ जो प्रैक्टिकल या असेसमेंट वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, उनके नंबर यहाँ जोड़े गए हैं। टोटल नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं और आपकी जो परसेंटेज है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न आई है और इंग्लिश जो एडिशनल सब्जेक्ट शायद इसमें है उसके, ये आप देख सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो 100 में से 49 नंबर इसमें आए हैं। अब आपको ये मार्कशीट प्रिंट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहीं दोस्तों आपको प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और ये आप दोस्तों मैं बता दूं कि फ़ोन में भी इसी तरह से आप चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या कंप्यूटर में ही ये खुलेगा। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका इस तरह से आ जाएगा और आपने प्रिंट ये कर देना है। फ़ोन में अगर आप करेंगे इसी तरह का तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड सीधे सीधे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका कुछ इस तरह का ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, इस तरह से आपके PDF ये डाउनलोड हो जाएगी और ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी मार्कशीट हो गई है, जब तक आपका जो ऑफिशियल जो मार्कशीट है वो स्कूल में नहीं आ जाती तब तक। और साथ साथ इसमें लिखा हुआ है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट सो सिग्नेचर आर नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पज़। तो ये मैं बता दूं कि लीगल पर्पज़ के लिए नहीं है, जैसे कि कोई भर्ती होती है या कहीं आपको लीगल प्रूफ दिखाना है कि आप 10वीं पास है तो वहाँ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो स्कूल के फॉर्म वगैरह होते हैं या कहीं आपको ऐसे लोगों को दिखाने कि भाई पास हो गया तो ये मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ये नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन लीगल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कहीं कोर्ट वगैरह में दिखाना है कि 10वीं पास है तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बस, बाकी इसको आप वैसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर जनरेटेड है तो इसमें सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये अपना रिजल्ट निकालेंगे, मार्कशीट निकालेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया है बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट देखने की प्रोसेस ये आपको बता दिया है, इसी तरह से आप भी अपना रिजल्ट देखेंगे। वेबसाइट दोस्तों ये जो वेबसाइट मैंने बताई है ऑनलाइन BSEB.in ये वेबसाइट है, इसी पे आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।